मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के कार्यालय संकुल केंद्र शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पीपलखेड़ा की पूर्व प्राचार्य विकास खंड अधिकारी सीमा आजम खान को सेवानिवृत्त होने पर ग्राम पीपलखेड़ा के उत्तर माध्यमिक विद्यालय में विदाई का आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित और पूजा अर्चना हीरामन चौक स्थित नंदेश्वर मठ के प्रधान पुजारी रतनगिरी गोस्वामी के सानिध्य में हुआ। शिक्षक निरंजन सिंह करार कमल किशोर शर्मा द्वारा मंचासीन अतिथियों का फूलमाला साफा बांधकर स्वागत किया। संकुल केंद्र पीपलखेड़ा प्रभारी होने के नाते मैं सभी क्षेत्र से आए टीचरों को, समस्त प्रकार के बच्चे सबको अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी का बहुत योगदान रहा। आज सर क्या कार्यक्रम में? आज हमारे विद्यालय में हमारे संकुल प्राचार्य मैडम सीमा आजम खान की विदाई समारोह रखा गया था जी। और इसके साथ में सावित्री बाई फुले जो पहली महिला शिक्षक थी जिन्होंने इस नारी शक्ति के लिए मूल धारा से जोड़ने के लिए कार्य किया, उनकी जयंती भी आज हमने मनाई। और साथ में हमारे संकुल के सभी शिक्षक यहां पर उपस्थित हुए, मैडम का आत्मीय स्वागत किया गया, बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुति दी और कार्यक्रम के समापन के बाद में हमारे प्रभारी महोदय द्वारा आभार व्यक्त किया गया। मंच पर बड़ी रोचक सब शिक्षक साथियों ने अपने उद्बोधन दिए जिससे मैडम का 2011 में 5 सितंबर को मैंने जब ये संस्था ज्वाइन की थी तो आज जो इसका एकदम भव्य स्वरूप है ये नहीं था। एक पुरानी सी बिल्डिंग थी यहाँ पे और मात्र 2 कमरे थे। समय के साथ साथ विद्यालय ने उन्नति की, बच्चों ने भी उन्नति की और मेरे बच्चे आज बहुत सारे दुनिया में, अगर आप कहें सेना में भी मिलेंगे, अगर आप कहें इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी मिलेंगे, अगर आप कहें पुलिस में भी मिलेंगे। और मेरी बेटियां जो हैं वो इस सब की बहुत सबसे ज़्यादा हकदार रही हैं क्योंकि उन्होंने अथाह मेहनत की। ग्रामवासियों ने पहले तो ये सोचते थे कि अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे नहीं, लेकिन पढ़ाया है उन्होंने और उसका नतीजा ग्राम की उन्नति में दिख भी रहा है। आगे के लिए ये कहना चाहूँगी कि मेरे बच्चे बराबर पढ़ते रहें, ईश्वर उनको कामयाब करता रहे और वो अपने स्कूल का, अपने गांव का, अपने परिवार का और अपने शिक्षकों का नाम बराबर रोशन करें, मेहनत करें और आगे बढ़ें।